दोस्तों चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कहर के बाद भारत में एक बार फिर से एक भयानक तूफान ने एंट्री ली है, जिसके चलते मौसम विभाग ने 11 राज्यों में रेड अलर्ट की चेतावनी जारी कर दी है। दोस्तों आपको आगे बताएंगे कौन सा है ये तूफान, जिसके चलते कई राज्यों में भीषण बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। वही दोस्तों इस नए चक्रवाती तूफान से कई राज्यों में बेहद भयंकर और खराब स्थिति बन सकती है। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मौसम के ताजा समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों अगले आने वाले 24 से 48 घंटों में भारत के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसके साथ ही सभी राज्यों के ताजा मौसम का हाल हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी अपने राज्य, जिला, गाँव का ताजा मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में अपने राज्य, जिला, क्षेत्र, गाँव का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके एरिया से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको जल्द से जल्द लाकर देते रहें। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण मध्य और पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश का हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, केरल, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिण छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों, पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश, आंधी और धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय और पंजाब के उत्तरी हिस्सों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकती हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण गर्मी की स्थिति संभव है। वहीं गंगे, पश्चिमी बंगाल में लू की स्थिति बन सकती है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार आज दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं स्काई मेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण मध्य और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, केरल, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। वहीं भारी बारिश और बारिश के पूर्व अनुमान के कारण आज के लिए तमिलनाडु के कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टू जिले के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं दोस्तों देश के कई राज्य इन दिनों गर्मी से परेशान हैं। इन राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है। प्रदेश के मौसम पूर्व अनुमान में हल्की कुछ राहत मिलने के संकेत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मौसम विभाग के अनुसार मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात के आसार हैं। वहीं दोस्तों अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिण मध्य और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, केरल, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिण छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों, पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश, आंधी और धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं पश्चिम हिमालय और पंजाब के उत्तरी हिस्सों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकती हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। वहीं बात करें राजस्थान के मौसम की तो आगामी 24 घंटे में अजमेर, उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के प्रभारी ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर में विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, टोंक, बूंदी, जयपुर, नागौर और जल्लोर में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों भीषण गर्मी के चलते उत्तर भारत के कुछ इलाकों में लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है। यूपी और बिहार में तो मौतों का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यूपी में जहां अब तक 103 तो बिहार में 47 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ओडिशा में भी लू से एक लोगों की जान चली गई है। रिपोर्ट के अनुसार 20 लोगों की अब तक ओडिशा में जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों जहां उत्तर भारत के कई इलाकों में लोगों की लू से जान जा रही है, वहीं चेन्नई और असम में बाढ़ जैसी स्थिति हो रखी है। कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। दूसरी ओर राजस्थान में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर अभी भी दिख रहा है। वहां के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। वहीं दोस्तों IMD के अनुसार बिहार और पूर्वी यूपी में अगले 2 दिनों तक लू चल सकती है, जो कि आने वाले 2 से 3 दिनों में धीरे धीरे कम हो जाएगी। वहीं दोस्तों बात करें एक एक करके सभी राज्यों के मौसम के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड की। दोस्तों मानसून की देरी और तपती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राज्य के 18 जिलों का तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। हालत यही रहे तो बेशक आगामी दिनों लोगों को परेशानी और बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 24 घंटों में गर्मी और हीट वेव की वजह से 13 लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान ने कहा है कि झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान
राहत मिल सकती है। वहीं अब बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो बिपरजॉय तूफान का असर उत्तर भारत में भी दिखना शुरू हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और आंधी पानी के आसार हैं। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं दोस्तों आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश के आसार हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार अधिकतम तापमान बांदा और प्रयागराज में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इससे कम तापमान मुरादाबाद में 24.4 और नजीबाबाद में 24.5 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया। वहीं कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया में लू की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, हापुड़, कासगंज, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी पानी के आसार हैं। वहीं दोस्तों बिपरजॉय चक्रवात का असर हालांकि अब हल्का पड़ने लगा है, तो कुछ दिनों में देश भर के मौसम के रुख में भी बदलाव आने वाला है। 4-5 दिनों में लगभग सभी राज्यों से लू विदा ले लेगी और इसी के साथ मानसून का आगमन हो जाएगा। वहीं दोस्तों अब बात करें बिहार में कैसा रहेगा मौसम, तो पटना सहित प्रदेश में बीते 18 दिनों के बाद मौसम का मिजाज बदला है। आज पटना व उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों किशनगंज में भारी बारिश की संभावना है, जबकि बक्सर, केमरू, रोहतास में लू का प्रभाव देखने को मिलेगा और धीरे धीरे मानसून की सुस्ती में तेजी आएगी। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अन्य हिस्सों में तेजी से प्रसार होने की स्थिति बन रही है। हालांकि प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। मौसम में बदलाव के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट की संभावना है। वहीं वर्षा की गतिविधियां प्रदेश में 24 से 48 घंटों के बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। वहीं गया में अगले 24 से 48 घंटों के बाद आंधी आने की संभावना बनी हुई है। वहीं दोस्तों बिहार में लू के थपेड़ों से बीमार होने वालों की और जान गंवाने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर और पटना जिलों में रविवार को 9 और लोगों ने दम तोड़ दिया है और प्रदेश में जान जाने वालों की संख्या लगभग 51 हो गई है। वहीं दोस्तों बात करें पंजाब के मौसम की, तो पंजाब के कुछ जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ में हल्की हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग का दावा है कि तापमान में ज्यादातर उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का सीधा असर इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अमृतसर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी तरह बठिंडा में अधिकतम तापमान 36 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं फिरोजपुर में 39.3 डिग्री व 28.1 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 35.5 डिग्री व 28.7 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 32.5 डिग्री व 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान पटियाला जिले में 0.6 मिलीमीटर वर्षा व होशियारपुर में 0.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, नवाशहर, रोपड़, आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर इत्यादि जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं दोस्तों अब बात करें ओडिशा के मौसम की, तो ओडिशा वासियों को आने वाले दिनों में राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। अगर मौसम विभाग के रुख में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले 3 दिनों में ओडिशा के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। पिछले करीब 1 महीने से भीषण गर्मी से झुलस रहे ओडिशा में 2 से 3 दिन के बाद बारिश के शुरू होने की पूर्व संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा इस संभावना की जानकारी दिए जाने के बाद लोगों में राहत देखी जा रही है, खासकर पश्चिम ओडिशा के उन जिलों में जहां सूर्य देव आसमानी से आग बरस रहे हैं, जिसमें संबलपुर समेत झारसुगड़ा, सोनपुर, बदऊ, बालगीर और नुअलपाड़ा जिला शामिल है। दोस्तों पिछले दिनों की तरह पश्चिमी ओडिशा के अधिकांश जिले भीषण गर्मी से बुरी तरह से झुलस रहे थे, जिनमें संबलपुर टॉप पर रहा। बीते 12 जून के दिन संबलपुर और अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और रविवार को 40.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दोस्तों सोनपुर का तापमान 45.8 डिग्री, बदऊ का 45.5 डिग्री, झारसुगड़ा का 45.2 डिग्री, सुंदरगढ़ समेत हीराकुंड और बालगीर का 45.0 डिग्री, बारकंड का 40.4 डिग्री, राउकेला और टिटलागढ़ का 43.5 डिग्री, देवगढ़ और नुलपाड़ा का 43 डिग्री और भावनी पटना का 42.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों बात करें अब उत्तराखंड के मौसम की, तो उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं। बिपरजॉय का असर को देखते हुए प्रदेश में आज भारी वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। 4 धाम यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से मौसम के पूर्व अनुमान को देखकर ही यात्रा पर आने और इस दौरान सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की है। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक के अनुसार उत्तराखंड में मौसम के तेवर तलक हो सकते हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तीर बौछारें, झोंकेदार हवाएं और ओलावृष्टि के आसार हैं।
जबकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, देहरादून और नैनीताल में गरज चमक के साथ भारी वर्षा और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इसको लेकर ऑल रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने मौसम को लेकर जारी अलर्ट के मद्देनजर श्रद्धालुओं से यात्रा रोकने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने मीडिया के माध्यम से कहा है कि मौसम की जानकारी लेकर ही चार धाम यात्रा पर निकले। साथ ही जो श्रद्धालु यात्रा पर निकल चुके हैं वह सुरक्षित स्थानों पर ठहर जाएं। इसके अलावा प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें। वहीं दोस्तों रुड़की में रविवार को कई दिनों के इंतजार के बाद रिमझिम वर्षा हुई। ऐसे में सुबह के वक्त तो मौसम थोड़ा राहत भरा रहा, लेकिन बाद में धूप खिलने से दोपहर में लोगों को फिर से उमस झेलनी पड़ी। तो दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही ताजा मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।